भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार रवि किशन ने आज अपने फेसबुक पर वो लाइव आई, जिसके बाद रवि किशन ने अपनी फिल्म सन की दरोगा की जानकारी साझा करते हुए बताया कि कल बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश के बनारस आनंद मंदिर सिनेमा हॉल में उनकी फिल्म सन की दरोगा लगने वाली है। इसी के साथ रवि किशन ने ये भी जानकारी दी कि कल यानी कि 5 अक्टूबर को उनकी ये फिल्म दिल्ली के सिनेमा घरों में भी दस्तक देगी। वैसे आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, रवि किशन की ये फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी रिलीज हो रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें 12 अक्टूबर को रवि किशन की फिल्म थाईलैंड में भी रिलीज होने जा रही है, क्योंकि बिहार पूर्वांचल के करीबन 5 लाख लोग इस जगह पर रहते हैं। उनकी तरफ से ये डिमांड आई है इस फिल्म को लेकर, और इससे पहले जितने भी राज्यों में ये फिल्म रिलीज हुई है वहाँ पर इस फिल्म में धमाल मचाया है। और रवि किशन की जब जिस तरह से लाइव आए उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में रवि किशन की इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से जितना रिस्पॉन्स मिला है वो काफ़ी ज़्यादा उससे खुश है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से प्रियंका की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।